बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में बताऊंगा जी आपको सऊदी करेंसी के मुतल्लक, और ये भी क्लियर करूंगा जी मैंने ये जो मेरे पास आप देख रखे हैं, जो भाई मेरी वीडियोस देख रखे हैं उनको तो पता है, बाकी न्यू के मुतल्लक बता रहा हूं जी। मैं आज से तकरीबन 3-4 माह पहले जड्डा टू लाहौर के लिए सफ़र कर चुका हूं, और मैंने रियाल चेंज करवाए। पहले 2000 चेंज करवाया उसके मुतल्लक आपको अपडेट किया, पहले बाद में मैंने 6000 चेंज करवाया उसके मुतल्लक आपको अपडेट किया कितने बने। अभी ये कुछ बचा कर रखे हुए हैं मैंने अपने पास, अभी जो मैंने बचा कर रखे हुए हैं, एक तो आपको वैल्यू बता देता हूँ अभी की इनकी सऊदी करेंसी की पाकिस्तान में वैल्यू क्या है, दूसरा आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने बचा कर रखे उस टाइम क्या रेट मिला था, अभी इनका रेट क्या चल रहा है, यानी कि उस टाइम के हिसाब से अभी ये कितने में है, उस टाइम अगर मैं देता तो कितने में मुझे पैसे मिलते, अभी मैं अगर इनको एक्सचेंज करवाऊँ तो अभी मुझे चेंज करवाऊँ तो अभी मुझे कितने पैसे मिलेंगे जी। ठीक है जी, बहरहाल मैं आपको बैक कैमरा भी चला लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, इनकी वैल्यू बता देता हूँ और प्राइस से भी अपडेट कर देता हूँ जी। तो अभी मैंने बैक कैमरा ओपन कर लिया है जी, और आपको मैं इनकी वैल्यू भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो इसी एक रियाल है जी, आपको पता है जी, और इसकी पाकिस्तान में इस वक्त वैल्यू हो चुकी है जी 64 से 65 इस टाइम, और जो हालात चल रखे हैं मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये 70 तक भी जा सकता है। 5 रियाल वाला नोट है जी, ये देख लीजिए। अच्छा, एक तो मेरे पास है ये प्लास्टिक टाइप जो सऊदी में मुतारफ़ करवाया गया था, और एक ये दूसरा, दोनों सेम है लेकिन ये थोड़ा इसमें ये है डिफरेंट, ये देख लेंगे। तो ये प्लास्टिक टाइप का था, ठीक है। तो 10 रियाल वाले नोट है जी ये तो इनमें तो सेम ही है लेकिन देख लें। और अगर अभी ये 10 रियाल पाकिस्तान में चेंज करवाएं तो आपको तकरीबन 650 रुपये मिलेंगे, 650 रुपये इस 10 रियाल के पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहे हैं जी करेंसी के हिसाब से। 20 का नोट है जी, G20 सऊदी की तरफ से, और इसी के सिलसिले में ये मुतारफ़ करवाया गया था, देख लें 20 रियाल वाला नोट सऊदी अरेबिया में, और माशाल्लाह चल रहा है जी। आगे बात कर लेते हैं 50 यानी कि 15 और 50 वाला नोट देख लें जी, और मैंने जी बिल्कुल इससे पुराना नोट भी एक 50 वाला होता था, लेकिन वो तो अभी मेरे पास नहीं है, अभी वैसे चलते भी यही हैं, वो बहुत कम है अभी सऊदी अरेबिया में। तो ये 50 है जी, और ये है जी मियाँ, और ये आपको 100 देख लें, मियाँ तो रियाल यानी कि मियाँ रियाल, अक्सर परदेसियों को सऊदी बोल देते हैं मियाँ तो रियाल, तो परदेसी सोच लेती हैं 300 रियाल यानी कि ये बोल रहा है 200 रियाल, तो हालांकि वो 100 रियाल बोल रहा होता है। तो 100 रियाल की करेंसी है जी, अगर इसको पाकिस्तान में आप चेंज करवाएंगे इस वक्त तो आपको 6400 यानी कि 6500 रुपये मिलेंगे इसके। और ये है जी 200 रियाल वाला नोट, अभी ये भी न्यू सऊदी अरेबिया में मुतारफ़ करवाया जा चुका है पिछले चंद माह से ही ये, लेकिन अभी कुछ ये मार्केट में अवेलेबल हुआ है आम, पहले हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता था। तो ये 200 रियाल का नोट है जी, और देख लें इसकी लुक वगैरह, एंड 500 रियाल वाला नोट मेरे पास नहीं है, ना ही मैंने वो रखा है, मैंने चेंज करवा लेते पाकिस्तान में। अभी ये जो मैंने रखे हुए हैं ये जी 500 रियाल हैं टोटल, 2, 3, 4, 420 और ये देख लेंगे 10 वाले, और ये 500 रियाल हैं जी, ऊपर 2 रियाल, चलो 500 रियाल है जी मेरे पास इस वक्त। ये अभी जब मैं सऊदीया में आया था उस टाइम रेट था मेरा था 47 के करीब था, और आप अंदाज़ा कर लें उस टाइम ये मुझे मिलने थे पैसे इनके 23,500, ये मैं अगर उस टाइम चेंज करवाता ये 500 रियाल तो मुझे मिलना था 23,500। तो अभी अगर मैं ये चेंज करवाऊं, जो कि मेरी अभी सलाह नहीं है चेंज करवाने की, मैंने रखे हुए हैं, वापसी का सफ़र जब होगा मैंने बोला वहाँ पर काम आएंगे। तो बात ये है जी, अभी मैं अगर चेंज करवाऊं तो अभी मुझे आप 500 रियाल से खुद से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 33,000 या 33,000 मुझे मिलेगा। उस टाइम कितना मिल रहा था भाई 23,500, अभी 33, यानी कि 9,500-10,000 रुपये का, 9,500 या 10,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है ये पिछले 4 माह के अराउंड में, जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ उस टाइम से लेकर अभी तक रियाल का रेट भाई इतना बढ़ चुका है। बाकी इंशाल्लाह ताला आपको इसके मतलब कुछ और कमेंट्स वगैरह या कुछ और पूछना हो तो मुझे पूछ लीजिएगा।